मशहूर शायर और कवि डॉक्टर उर्मिलेश के पुत्र कवि अक्षत ने अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया कि भारत में राम मंदिर तो बनने जा रहा है, लेकिन राम के प्रति आस्था रखने वाले और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों का भी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, मेरा भारत राम के विचारों वाला, उनके राम की छवि को अपने विचारों में उतार कर उनके मार्ग पर चलने वाले ऐसे भारत की मैं परिकल्पना करता हूँ। हर्षित हैं, उल्लास से परिपूर्ण हैं, उमंग से लबरेज हैं, लेकिन एक प्रश्न कहीं ना कहीं मन में उठता है, वो इस गीत के माध्यम से बात भी कहना चाह रहा हूँ कि क्या प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन क्या ये देश प्रभु राम के अनुसार चल रहा है? क्या ये देश प्रभु राम का देश है? क्या यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं वो प्रभु श्री राम के देश में घटने होने वाली घटनाएं हैं? नहीं। इन पंक्तियों के साथ ये प्रश्न, इस गीत के साथ ये प्रश्न जरूर उठाना चाहूँगा कि सोचते सोचते वर्ष बीते कई, सोचते सोचते वर्ष बीते कई, अब समय आ गया काम की बात हो, अब समय आ गया काम की बात हो, पूर्ण निष्ठा लगन और उत्साह से, पूर्ण निष्ठा लगन और उत्साह से, राम के देश में राम की बात हो, राम के देश में राम की बात हो, राम के देश में राम की बात हो।